हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर एक नई वैकेंसी के अपडेट के साथ में। दोस्तों, यह चुनावी माहौल चल रहा है और लोकसभा चुनाव के बाद कई सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जिससे कि जो राज्य सरकारें हैं वह भी नौकरियों पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, क्योंकि इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें नौकरियाँ या जो रोजगार है उसका बहुत असर पड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए सारी जो राज्य सरकारें हैं वह नौकरी के स्तर पर काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रही हैं, नौकरियों पर कह सकते हैं रोजगार के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रयास कर रही हैं। उसी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड यानी कि झारखंड सरकार ने, या कह सकते हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, एक नई वैकेंसी की घोषणा की है। जैसे आप सभी जान रहे हैं कि झारखंड में कई सारी वैकेंसी पेंडिंग पड़ी हैं। जो झारखंड एसएससी सीजीएल की वैकेंसी है पिछले कई वर्षों से नहीं हो पाई है, अभी जनवरी फरवरी में हुई तो उसका पेपर लीक हुआ, जिसका कि अभी फिर से अगस्त में उसका एग्ज़ाम होना है, अगस्त के थर्ड वीक में उसका एग्ज़ाम होना है। और भी कई सारी वैकेंसीज हैं, महिला पर्यवेक्षक वगैरह, ये सारी वैकेंसीज आपकी हो जाएंगी और अक्टूबर तक में आपका ये इसकी क्या कहते हैं अक्टूबर तक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और विधानसभा चुनाव आपके पिछली बार जो हुए थे 2019 में, वह दिसंबर, मिड दिसंबर में हुए थे, मिड दिसंबर 2019 में हुए थे, तो इस बार भी दिसंबर में ही होने के उम्मीद है। तो इसलिए अक्टूबर तक में सारे के सारे रिजल्ट आ जाएंगे। और जिस तरह से झारखंड जेई का जो एक हफ्ते के अंदर ही ज्वाइनिंग दे दी गई थी, उसी तरह से इसमें भी उम्मीद लगाई जा रही कि आपको लास्ट अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट वीक में आपकी सबकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, जिनका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी में एक क्षेत्रीय, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें योग्यता केवल 10वीं मांगी गई है और इसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो आज इसी वैकेंसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या कुछ इसमें और भी योग्यता है, इसके फॉर्म कब से पढ़ रहे हैं और कब तक इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, करेक्शन के लिए क्या डेट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक और जानिए कंप्लीट जानकारी, पूरी की पूरी जानकारी एक साथ में। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सबको सभी वैकेंसीज की अपडेट, एडमिट कार्ड वगैरह सारी की सारी जो जानकारियां हैं वो तय समय पर मिलती रहे, बिल्कुल निश्चित समय पर, सही समय पर तुरंत ही जानकारी मिल जाया करे। तो चलिए देखते हैं। तो इस वैकेंसी का यह नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर चाय बागान नामकोम रांची। ये पद कौन से दिए गए हैं? विज्ञापन संख्या 23/2024 की यह भर्ती है, विज्ञापन संख्या 23/2024। और जो पद का नाम है वह है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024, या शॉर्ट में इसको हम कह सकते हैं JFWCE 2024, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024। ठीक, अब इसके बाद आगे इसमें देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है परीक्षा शुल्क। ठीक है, तो परीक्षा शुल्क में देखते हैं परीक्षा शुल्क कितना है झारखंड एसएससी के लिए। जो झारखंड के कैंडिडेट हैं उनको पता होगा कि परीक्षा शुल्क जो इसकी है वह मात्र 100 रुपये है। जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है, जबकि जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यह 50 रुपये की फीस रखी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है फीस के बारे में। और जो रिजर्व कैटेगरी के होंगे, एससी एसटी कैटेगरी के होंगे या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे, वह झारखंड के मूल निवासियों को ही रिजर्वेशन का लाभ मिल पाएगा। बाकी अन्य राज्य के यदि आप हैं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं रिक्तियों का विवरण। तो यहाँ पर जो टोटल पद दिए गए हैं, ये टोटल पद आप देख सकते हैं 510 यहाँ पर कुल पद दिए गए हैं। ठीक है, अब इन 510 पदों में यहाँ पर पहले देखिए ये लिखा हुआ है क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग। ठीक है, तो अच्छे विभाग की भर्ती है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए, जिसमें टोटल 510 पद दिए गए हैं। इसमें अनारक्षित के लिए, जो सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, कुल 230 पद दिए गए हैं। 230 पदों में 11 पद सामान्य वर्ग में, 11 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति में यानी कि एसटी कैटेगरी के लिए 133 पद हैं। इन 133 पदों में 3 पद आदिम जनजाति के लिए हैं और 7 पद महिला कैंडिडेट के लिए हैं। अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए कुल 44 पद हैं। 44 पदों में
दो पद महिला के लिए हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची एक में 45 पद हैं जिसमें दो पद महिला के लिए, पिछड़ा वर्ग अनुसूची दो में 7 पद दिए गए हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कुल 51 पद दिए गए हैं जिसमें 3 महिलाओं के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुल 510 पदों में 25 पद महिलाओं के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। क्लियर हुआ, तो यह था आपका वैकेंसी डिटेल। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं वैकेंसी डिटेल में, इसके लिए वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो यह जो वैकेंसी है क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग समूह ग अराजपत्रित के लिए, तो इसका पे मैट्रिक्स लेवल 1 पर होगा यानी कि 18,000 बेसिक पे होगा और यह 56,900 तक रहेगा। इसमें हालांकि ये बेसिक पे है, इसमें आपके अन्य जो DA TA वगैरह जुड़ता है, यह आपकी 27,000 से 30,000 के बीच में इसका जो पेमेंट है वह 27,000 से 30,000 के बीच में इसका पेमेंट वेरी करता है और यह जो वेरिएशन है यह सिटी के अनुसार भी हो सकता है। ठीक है, और इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूनतम आपका 10वीं कक्षा होना चाहिए और कब तक, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक। ठीक है, तो आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि आप जानते ही हैं कि 31 अगस्त है, थंबनेल में आप देखे ही हैं, तो 31 अगस्त तक आपकी 10th क्लास का रिजल्ट यदि आ जाता है तो आप इसके लिए योग्य हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ में यहाँ पर एक चीज़ और है कि इसके लिए जो एज लिमिट दी गई है वह एज लिमिट कब है, एज लिमिट यहाँ पर आपकी न्यूनतम 1 अगस्त 2024 को काउंट की जाएगी न्यूनतम और अधिकतम के संदर्भ में, यानी कि जो आपकी न्यूनतम उम्र सीमा है वह 18 वर्ष होनी चाहिए। 1 अगस्त 2024 को आप 18 वर्ष की उम्र को पूर्ण कर लिए होने चाहिए और 1 अगस्त 2024 को आप 35 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, यानी कि 18 से 35 साल इसके लिए एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, और लेकिन जो झारखंड राज्य के OBC SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची एक के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची दो के लिए जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनके लिए 2 वर्ष का यहाँ पर रिलैक्सेशन देते हुए 37 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर जो सभी कैटेगरी की महिलाएं हैं, चाहे अनारक्षित हों, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हों, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अनुसूची एक की महिलाएं हों या अनुसूची दो की महिलाएं हों, तो सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 38 वर्ष तक इसमें एज लिमिट रखी गई है। वहीं पर SC और ST के महिला और पुरुष कैंडिडेट सभी के लिए एज लिमिट 40 वर्ष के लिए रखी गई है। अब यहाँ पर जो आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हो तो स्थानीय प्रमाण पत्र, तो यदि आप झारखंड के स्थानीय निवासी हैं, मूल निवासी हैं, तभी आपको आरक्षण का लाभ यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और आरक्षण का लाभ किन्हें मिलेगा, जिनका जो प्रमाण पत्र होगा वह 19 जुलाई 2019 के बाद का हो, इसके पहले का प्रमाण पत्र नहीं मान्य होगा। ठीक है, 19 जुलाई 2019 के पहले का प्रमाण पत्र यहाँ पर मान्य नहीं किया जाएगा। इस तरह से जो जाति प्रमाण पत्र है उसके लिए भी यही कार्यक्रम रखा गया है कि 25 फरवरी 2019 के पहले का इसमें मान्य नहीं होगा। क्लियर है, अब इसके बाद कुछ अन्य चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पर और क्या चीज़ें दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये जो इसकी PDF है, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ। ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियाँ निम्नवत हैं। यहाँ पर क्या है, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वह 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 अगस्त 2024 से लेकर 31 अगस्त 2024 तक आप इसका रजिस्ट्रेशन आराम से कर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए अंतिम तिथि 2 सितंबर 2024, यहाँ पर मिसप्रिंट है, 2023 लिखा गया है जबकि 24 होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, तो परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए जो अंतिम तिथि है वह 2 सितंबर 2023 है और फोटो एवं हस्ताक्षर यानी कि फोटो और साइन अपलोड करने के लिए अंतिम तिथि 4 सितंबर 2024 रखी गई है।
ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फॉर्म भरने के लिए हैं तो आप देखते हैं रिजेक्शन की लिस्ट आती है, और जैसे अभी झारखंड महिला सुपरवाइजर की लिस्ट आई तो उसमें 22,000 के लगभग महिलाएं जो हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। इसी तरह से जेई में भी कई सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, सीजीएल में भी रिजेक्ट हुआ। तो इसका जो फॉर्म है वह 3 चरण में इसका फॉर्म कंप्लीट होता है। पहला होता है कि रजिस्ट्रेशन जिस दिन आप करते हैं, तो आप जब रजिस्ट्रेशन जब आप कंप्लीट करते हैं उसके 24 घंटे के बाद, यानी जैसे यदि आप आज अभी 8 बजे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप कल 8 बजे के बाद इसका पेमेंट कर सकते हैं। तुरंत रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद पेमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके 24 घंटे के बाद आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद, पेमेंट करने के फिर से 24 घंटे बाद आप अपना फ़ोटो और साइन अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यह है आपका 2 से 3 बार में फॉर्म आपका यह कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका दिया गया है करेक्शन। अब इतने के बाद भी यदि आपके फॉर्म में किसी भी तरह का कोई गलती हो गया है तो आप इसको 6 सितंबर से लेकर 9 सितंबर 8 सितंबर तक आप इसको करेक्शन इसमें कर सकते हैं, यानी कि 6 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर 3 दिन आप इसका करेक्शन कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ये यहाँ पर इतनी सी बात हुई। अब इसके बाद देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पर परीक्षा का स्वरूप दिया गया है। तो परीक्षा का स्वरूप बताया गया है सीबीटी या ओएमआर परीक्षा बेस। तो ज़्यादातर इसमें चांसेस हैं कि सीबीटी मोड ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, सीबीटी या ओएमआर। अब परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, परीक्षा 1 चरण में ली जाएगी और एक प्रश्न पूर्ण अंक 3 का होगा, यानी कि जो एक सही प्रश्न का उत्तर होगा वह 3 नंबर का होगा और एक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काटा जाएगा, यानी कि ये 1/3 माइनस मार्किंग होगी, 1/3 माइनस मार्किंग इसमें होगी। अब परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे, यानी कि 3 पेपर होंगे, और पेपर जैसा कि आपका एसएससी सीजीएल का, जो आपका कह सकते हैं कि जिस तरह से एसएससी सीजीएल का पैटर्न है उसी तरह से इसका भी है। तो 3 पालियों में होगी। जो पहला पेपर आपका होगा वह भाषा ज्ञान का होगा, कुल 120 प्रश्न होंगे, समय 2 घंटे का होगा। हिंदी भाषा के 80 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी भाषा के 40 प्रश्न होंगे। और जो पहला पेपर है यह केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिलाकर आपको 30% अंक प्राप्त करने होंगे, ठीक है। यानी कि 120 में आपको केवल 30%, या कह सकते हैं कि 36 नंबर आपको पाने होंगे। 120 नंबर में 36 नंबर आपको पाने होंगे, तो आपका पहला पेपर क्लियर। और इसका जो मेरिट बनेगी, मेरिट में ये वाला नंबर नहीं जुड़ेगा, ठीक है। मेरिट किसकी बनेगी, मेरिट दूसरे पेपर की और तीसरे पेपर की मेरिट आपकी बनेगी, क्लियर है। तो दूसरा पेपर क्या होगा, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा दूसरा पेपर है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं दी गई हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, उरांव, उरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया। इसमें किसी भी एक भाषा को आप अपना चूज कर सकते हैं, और जो दूसरा पेपर होगा उसी भाषा से संबंधित आपको प्रश्न होगा, ठीक है। तो और जो भाषा से संबंधित प्रश्न होंगे वह आपके 100 प्रश्न इसमें आएंगे, ठीक है, 100 प्रश्न। और सभी प्रश्न कितने के हैं, 1 नंबर का, सॉरी 3 नंबर का आपका सभी प्रश्न आपके रहेंगे, ठीक है। तो दूसरा पेपर आपका 300 नंबर का हो जाएगा, मेरिट बनेगी आपकी दूसरे और तीसरे पेपर से। इसी प्रकार जो तीसरा पेपर होगा इसमें, इसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित कुल 120 प्रश्न रहेंगे और 2 घंटे की अवधि, यानी कि 120 प्रश्न 120 मिनट के, ठीक। अब इसमें क्या क्या पूछा गया है, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस 40 नंबर का पूछा जाएगा, झारखंड जीके जीएस 50 नंबर का पूछा जाएगा, सामान्य गणित 10 प्रश्न आएंगे और सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो यह भी बड़े आराम से हो सकता है, आप यदि आप इसको कंप्लीट करते हैं तो झारखंड सामान्य ज्ञान किसी भी यूट्यूब चैनल से यदि आप इसके ऑब्जेक्टिव करते हैं तब भी आपका इसमें बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 10th लेवल की वैकेंसी है तो बहुत डीप में इसमें नहीं पूछा जाएगा, क्लियर है। तो इसमें आपका जो केवल मेरिट बनेगी तो केवल 2 पेपरों की बनेगी। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यदि आप पहले पेपर में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपका दूसरा और तीसरा पेपर चेक नहीं होगा, और यदि आप दूसरे पेपर में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपका तीसरा पेपर भी चेक नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, क्लियर हुआ। और ये आपका
ये इसमें कंप्लीट आपकी इसमें डिटेल हो चुकी है। और यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, आपकी पूरी पूरी सहायता की जाएगी। तो इसी के साथ में मिलते हैं अगले सत्र में, अगले सेशन में कुछ नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।